प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरा अपना भाषण दिया। सबसे पहले जनरल मल्होत्रा, ओआरओपी का वादा वही हुआ जो रेवाड़ी में हुआ, सियाचिन में हुआ, मन की बात में हुआ, वादा तो हुआ। जो कोर्ट सीन होता है ना फिल्म से कि तारीख पर तारीख, लगता है कि ओआरओपी के साथ वही हो रहा है, तारीख पर तारीख। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं उम्मीद नहीं रखता कि वो ओआरओपी के बारे में कुछ ऐलान करें, और मैं चाहता ये था कि मैं गलत हूँ और मोदी साहब कुछ एक्चुअली कहें ओआरओपी के बारे में। उसका कारण ये है कि एक प्रोसेस है जो इस ओआरओपी को देख रहा है। तो प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से होके ये नहीं कह सकते कि इस प्रोसेस को दरकिनार करो और मैं आपको ऐलान करके देता हूँ। तो अभी प्रोसेस तो फंसा हुआ है। हकीकत यह है पार्थ सारथी साहब कि कल हम लोगों ने खबर ब्रेक की कि जो चर्चा चल रही थी एक सर्विसमैन की वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, वो पूरी टूट गई। वित्त मंत्रालय के अधिकारी 2011 के फॉर्मूले पर जाना चाहते हैं, सेनानी 2014 के फॉर्मूले पर आमद है, और ये वो फॉर्मूला है जिसको सरकार मान चुकी है। तो सरकार अब अपनी बात से पलटने की कोशिश करी, लाजमी तौर पर सेनानी उस बात से नाराज है, और अब एक और तारीख। देखिए, इस पर दो मंत्रालय जिम्मेवार हैं, सबसे पहले रक्षा और दूसरा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय का सिर्फ एक ही मकसद है कि बजट के घाटा कम रखें, और उसको उसके ऊपर जाने के लिए एक राजनीतिक फैसला लेना पड़ेगा कैबिनेट को। तो मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री उस प्रक्रिया को नहीं तोड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कुछ दिनों कुछ हफ्तों के अंदर उन्होंने इसका कुछ ऐलान नहीं किया तो सरकार सरकार की जो विश्वसनीयता है उस पर चोट पड़ेगी। क्योंकि मोदी कहते हैं नलिनी जी कि मैं फैसले लेता हूं, उन्होंने अभी भाषण में कहा कि मुझमें और बाकियों में फर्क यह है कि बाकी कहते हैं मैं फैसले लेता हूं। 15 महीने हो चुके हैं अब उनकी सरकार को, 15 महीने में फैसला नहीं ले पा। उन्होंने तो ये कहा कि पिछली बार जब मैं आया था यहां पर, नया था, जो मेरे मन की बात निकली, जो मेरे दिल से भावनाएं निकली, वो मैंने ऐलान किया और उसका रिपोर्ट कार्ड भी दिया। तो ये मन से बात उनकी निकली नहीं क्या, कि आज वो सब चीज़ को ताक पे रखते हुए, अगर वो जैसे पिछली बार उनने क्या कहा था कि मैंने किसी से बात की नहीं थी, पूछा नहीं था, लेकिन ऐलान कर दिया था कि होगा, आज ये ऐलान हो सकता था। मुझे लगता है गलत संदेश गया, और ओपी का ऐलान चर्चा हो रही थी। मैं आपको ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ तक चर्चा हुई कि क्या पुतले फूके जाएं, क्या किया जाए, अगला कदम क्या हो। अब बहुत शर्मनाक ये बात होगी कि अगर सेनानी प्रधानमंत्री के पुतले फूकते हैं कि वादा पूरा नहीं हो रहा। अब स्थिति उस दिशा में कमोबेश बढ़ रही है। उर्मिलेश जी, आपको लगता है कि एक नेगेटिव मैसेज गया इससे? देखिए, खासतौर पर इसलिए भी कि मोदी साहब के बारे में एक छवि है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह से बिल्कुल अलग है। बेशक कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो पूरी टीम का न केवल नेतृत्व करता है, अगुआ कैप्टन है, बल्कि वो जब चाहे तब जैसे चाहे वैसे फैसले ले सकते हैं, अगर उनको पसंद है वो फैसले। तो सवाल इस बात का है कि चुनाव से पहले रेवाड़ी की सभा हो, सियाचिन हो, या हर जगह जब सैद्धांतिक मंजूरी आपने सवाल। आपको लगता है बिहार चुनाव से पहले होगा? क्योंकि जितने पंजाब से सेनानी आते हैं उतने ही बिहार से, बिहार में संख्या बहुत बड़ी है। जी हाँ, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये जो सैद्धांतिक मंजूरी के बावजूद अगर अमली जमा पहनाने में आपको इतना इंतजार करना पड़ रहा है, तो मैं पार्थसारथी साहब से सहमत हूं। आइए देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का जाल है, ये ब्यूरोक्रेसी का जाल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा क्या, आइए सुनते हैं, फिर बहस को आगे बढ़ाएंगे। बार बार प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान जिक्र किया टीम इंडिया का। नलिनी जी, आरोप मोदी पर लगता है कि वो टीम प्लेयर है नहीं, अपनी करते हैं, अपनी सुनते हैं, औरों को साथ लेके नहीं चलते। लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री पूरे भाषण में बार बार जिक्र करता है टीम इंडिया का, 125 करोड़ टीम इंडिया। तो इसलिए वो अपने जो सरकार है या अपना कैबिनेट है उसकी बात नहीं कर रहे, वो 125 करोड़ टीम इंडिया की बात कर रहे हैं बार बार। और वही टीम इंडिया के बारे में उन्होंने ये कहा, आज देखिए पहली बार उन्होंने ये एक अच्छी बात है जो मोदी अभी कर रहे हैं। बाकी प्रधानमंत्री निकल जाया करते थे भाषण देने के बाद, मोदी उतरे हैं और जाके बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, और ये उन्होंने योगा दिवस पर भी किया। जब भी उनकी कोई पब्लिक मीटिंग होती है हमेशा लोगों से जाके मिलने की कोशिश। पिछली बार भी उन्होंने किया था, बच्चों के बीच गए थे। लेकिन मेरा आपसे कहना कि एक बार बहुत मार्क करने वाली चीज़ है, उन्होंने बार बार 125 करोड़ की टीम इंडिया की बात की, और इसीलिए उन्होंने कहा कि जब तक पिरामिड का बेस
यानी कि गरीबों तक टीम इंडिया में उन्होंने ज़्यादातर जो शामिल किए वो थे भारतीय नागरिक जो कि संपन्न नहीं है, उन्होंने बेस कहकर शोषित लोगों का। उमेश जी, सूट बूट का मजाक उड़ाया प्रधानमंत्री ने, आप लोगों का तो पॉलिटिकल पंडित का तो वैसे ही वो आए दिन मजाक उड़ाते ही हैं, तो पुरानी बात हो गई है, लेकिन सूट बूट का मजाक उड़ा, क्या आपको लगा कि कोशिश थी अपनी सरकार को एक प्रो पुअर गरीब आदमी की सरकार के तौर पर पेश करने की, क्योंकि कॉर्पोरेट्स की जिक्र ही नहीं हुआ कहीं पर भी, कॉर्पोरेट्स के फायदे की कोई बात नहीं हुई, लेकिन गरीबों से मेल खाने वाली सरकार। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, डेढ़ घंटे का भाषण उनका है, बहुत महत्वपूर्ण। इस विषय से जाने से पहले मैं जुमले की बात करूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे जुमले आए हैं इस भाषण में जो बार बार आए हैं, और ऐसा लगता है कि उन जुमलों से पूरा भाषण और उसकी पूरी संरचना आच्छादित है। जैसे 125 करोड़ देशवासियों और उनकी टीम, टीम इंडिया तिरंगे के नीचे लाल किले की प्राचीर से संकल्प और सपने, ये जो शब्द हैं, ये जो जुमले हैं, उनके भाषण में कई बार आते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जिस टीम इंडिया की बात करते हैं, 125 करोड़ लोगों की टीम इंडिया की बात करते हैं, लेकिन बहुत आश्चर्यजनक है कि इस टीम इंडिया में जो अपोनेंट्स हैं, जो संसद में हैं, संसद से बाहर हैं, उनके साथ भी तालमेल बनाने की एक खूबसूरती, एक संसदीय कौशल कहीं ना कहीं इस बार सेशन में नहीं दिखा, वो बिल्कुल जगजाहिर है, पहली बात। दूसरी बात कि जो आप कॉरपोरेट का कह रहे हैं कि कॉरपोरेट का जिक्र नहीं है, इंडस्ट्री के जो कैप्टन से उनका नहीं है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे भाषण में बिहार का चुनाव परिदृश्य पर हावी है। उन्होंने कहा भी कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो आप पॉलिटिकल मान लोगे, लेकिन कह दी अपनी बात, क्योंकि गरीबों की बात कर रहे हैं। देखिए, ये पहला मौका था जब संसद में गतिरोध पर देश के बड़े उद्योगपतियों, बड़े कॉरपोरेट कैप्टन्स ने एक रिलीज की, बकायदे प्रेस रिलीज, और उसमें आह्वान किया कि संसद का गतिरोध टूटना चाहिए, पहली दफा था। तो वो कॉरपोरेट, अहम बात यह है कि प्रो कॉरपोरेट इमेज से वो मुक्त होने की कोशिश है, बहुत दूर वाकई में। 23-24 तारीख को पाकिस्तान और हिंदुस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मुलाकात होनी है, उससे कुछ ही दिन पहले जब प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तो ना पाकिस्तान का ना चीन या किसी भी देश का जिक्र नहीं, पूरे का पूरा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर केंद्रित है। मैं समझता हूँ इसलिए कि सिर्फ पाकिस्तान, और अगर आप विदेश नीति के बारे में बात करें तो सिर्फ पाकिस्तान, विदेश नीति का जिक्र ही नहीं था कहीं नहीं। इस बार ये पहली बार है कि विदेश नीति का जिक्र ही नहीं, इसलिए कि मैं सोचता हूँ कि लोगों में ये चर्चा फैल रही है कि बहुत ही समय विदेश नीति पर लिया जा रहा है, विदेश दौरों पर लिया जा रहा है, इसीलिए उन्होंने सिर्फ ध्यान आकर्षित रखा घरेलू मामलों पर, घरेलू समस्याओं। क्या आपको लगता है नलिन यहाँ पे कोशिश है कि कहीं ऐसा मैं पाकिस्तान पे कुछ ना कह दूं कि बातचीत शुरू होने से पहले ही विफल हो जाए? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, टेररिज्म की बात ही नहीं हुई, आतंकवाद की बात ही नहीं हुई, कल हम सब जानते हैं कि वो यूएई के बहुत ही महत्वपूर्ण दौरे पर जा रहे हैं, अबू धाबी जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, और वो अचानक तय हुआ, और टेररिज्म की बात ना हो। तो मुझे ये लग रहा है कि इस बार जो उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कह दी वो ये था कि वो बहुत ही तैश में आके उन्होंने कहा कि मैं सब तीर झेल लूँगा, सब आलोचनाएं आपकी झेल लूँगा, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ाई अपनी जारी रखूँ। उन्होंने जवाब दे दिया जो संसद में हुआ, इनडायरेक्टली उन्होंने ये कह दिया कि आपने जो भी मुझ पे आरोप या मेरी सरकार पे आरोप मढ़े हैं वो गलत है। सबसे लेकिन ज्यादा रौब में तब थे सब जब उन्होंने कहा कि 15 महीने हो गए अब तक एक आरोप मेरी सरकार पे नहीं लगा। जी, और मुझे लगता है एक और महत्वपूर्ण बात, बेहद गुस्सा पूर्व सेनानियों के बीच संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी से और अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए। संबित, आपने सुना तमाम सेना के अधिकारियों का गुस्सा, उन्होंने कहा कि हमने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी इस देश के लिए, हमने इतनी मेहनत की मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और उन्होंने हमारे सपनों को चकनाचूर कर दिया, गुस्सा है कि जो वायदा हुआ वो पूरा नहीं हुआ। संबित, देखिए राहुल, आज 15 अगस्त है और इस अवसर पर मैं आपको, आपके तमाम पैनलिस्ट और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। ये जो आपने मुद्दा अभी ओआरओपी का किया और जो आपने अभी दिखाया कि वेटरन्स के मन में एक गुस्सा है, मैं उनको पहले सलाम करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। और आज का मौका ये बिल्कुल नहीं है कि हम एक छवि हिंदुस्तान का ऐसा दे विश्व के सामने प्रस्तुत करें जो उचित संदेश नहीं भेजेगा। खुद प्रधानमंत्री ने तिरंगे के नीचे कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये तिरंगे के नीचे खड़ा 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का जो जुनून है, जो इमोशन है, वो कह रहा है
कि हमने इसे स्वीकारा है, वन रैंक वन पेंशन को हमने स्वीकारा है। पर सेनानियों को लग रहा है कि जुमलेबाजी हो रही है, सब्र का बांध उनका टूट रहा है। 15 महीने हो गए प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनमें और बाकियों में फर्क यह है कि बाकी कहते हैं मैं करता हूं, 15 महीने में तो कर नहीं पाए। बॉलीवुड का सीन याद आता है जिसमें तारीख पर तारीख लगती है, लगता है कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर भी तारीख पर तारीख लग रही है। देखिए, मुझे अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास है और मुझे पता है बहुत लोगों को शायद ना भी हो, मगर मैं हाथ जोड़ के इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आज जब 15 अगस्त का दिन है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मैं केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते उन्हें बचाने की कोशिश करो, ये उचित नहीं है। हम लोग जितने लोग पैनल में बैठे हैं, इंक्लूडिंग मेरे मित्र अखिलेश जी और जितने लोग हिंदुस्तान में देख रहे हैं, आज के दिन कम से कम हम पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। अखिलेश क्या कहेंगे मेरे सवाल के जवाब में, वो उन पे आप दबाव ना डालिए संबित जी, क्योंकि मैंने तो अभी उनसे पूछा ही नहीं है कि वन रैंक वन पेंशन का वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। अखिलेश जी क्या कहना है, संबित आपको पहले से गुजारिश लगा रहे हैं कि कुछ नेगेटिव ना कहिएगा। देखिए, ये जो आज माननीय मोदी जी ने बोला है, जो संबित बोल रहे हैं कि देश के विश्वास दिया है, विश्वास तो देश ने दिया, आपको दिया, आपकी अब बारी है देश के विश्वास को कितना आप अमलीभूत जामा पहनाते हैं। निराशा क्यों हुई? क्योंकि विश्वास किया था आप में और उस विश्वास को आज आप तोड़ रहे हैं। सिर्फ फौजी ही नहीं, हर फील्ड में आज देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था, वो क्या पहले जैसे भाषणों के आत्मविश्वास जैसा दिखा? सिर्फ मिसलेनियस मुद्दों पे जोर था, जो कोर इश्यूज थे। पर अखिलेश जी, मैं आपको और आपकी पार्टी को यह याद दिला दूं कि आज आप वन रैंक वन पेंशन के पक्ष में बोल रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी ही है जिसने 2009 में वन रैंक वन पेंशन की मांग को खारिज किया था। 10 साल तक आपने इस मामले को लटका के रखा और जिस साल में यह तय हो गया था कि चुनाव होने वाले हैं और आपकी सरकार विदा होने वाली है, तब आपने 500 करोड़ रुपए की राशि वन रैंक वन पेंशन के लिए किनारे कर दी थी। जब आपके पास मौका था तब तो आपने किया नहीं, अब आप उपदेश दे रहे हैं मोदी को। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको, आप गलत उपदेश हमें दे रहे हैं। हमारा हिसाब हो चुका है साल भर पहले लोकसभा के चुनाव में, इसलिए अब आप 47 और 1885 से गिनाने लगेंगे तो मैं भी बहुत चीज गिना सकता हूं। तो मैं वही कह रहा हूं कि अब आप पे, चलिए आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से तो ना उम्मीद है ही जनता, अब बीजेपी से भी ना उम्मीद हो रही है। चलिए, आपने माना कि हम तो डूबे ही हैं, अब मोदी भी डूब रहे हैं। बिल्कुल ना उम्मीद नहीं हो रही है राहुल, ये बिल्कुल ना उम्मीद नहीं हो रही है। आप क्या शब्द हैं? नहीं, आप तो कह रहे हैं कि हमारा हिसाब हो चुका है। कभी ना उम्मीदी नहीं है, आज हम ही से उम्मीद है। हमारा हिसाब हो चुका है, इसलिए जिन्होंने वादे किए थे वो अपने वादे पूरे करें। जनरल मल्होत्रा, ये अहम बात है, कांग्रेस कह रही है कि जनता हमें दोष दे चुकी है, हमारी सजा हो चुकी है, 44 सीटों पे हम आ गए हैं, अब उम्मीदें थे मोदी जी से, मोदी जी अब निराश कर। देखिए, मुझे बहुत सख्त अफसोस होगा अगर फौज के बारे में राजनीतिकरण हो, अगर पॉलिटिसाइज होगा ये इशू, तो इससे बुरी बात राष्ट्र के लिए हो ही नहीं सकती। लाजमी तौर पे हो ही रहा है। कल भूपेंद्र हुडा थे रैली में गुड़गांव में, राहुल गांधी पहुंचे जंतर मंतर पर, अरविंद केजरीवाल समर्थन में आ गए। इनमें से करना किसी को कुछ नहीं है, लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां जरूर सेक रहे हैं। एक जीती हुई बाजी, ये सरकार हार रही, ये पूरे एक्स सर्विसमैन की उम्मीद इनके ऊपर लगी हुई थी, एक जीत रहे थे बाजी, उसको हार रहे हैं। देना इन्होंने है ओआरओपी, किसी भी 2014 आपको लगता है ये जैसे बिहार में लैंड बिल हुआ जिसमें पलटी खाई सरकार ने आखिर में, उसकी वजह से लोगों को लगा कि चलो पहले कॉर्पोरेट अंबानी अडानी की मदद कर रहे थे, अब उल्टा पड़ा। क्या आपको लगता है कि ओआरओपी के साथ भी वैसा ही हो रहा कि आखिर में देना तो पड़ेगा ही, लेकिन उसके साथ जो गुडविल आती है वो गुडविल नहीं आएगी? राहुल, इसके पीछे कुछ और ही चल रहा है। मैं अभी जनरल साहब से बात कर रही थी कि 2011 और 2014 का जो विवाद है स्टार्टिंग डेट का, उसमें केवल 18 करोड़ रुपए
का अंतर है। मुझे तो आज लग रहा है सालाना 18 करोड़ रुपए का, तो मुझे तो आज लग रहा है कि क्राउड भी चलेगा ना, लेकिन चलिए आप 2000 करोड़ भी कर लीजिए, हमारा बजट 15 लाख करोड़ का है, उसमें 2000 करोड़ के लिए हम ये कर रहे हैं। लगता है पार्थ सारथी साहब यहाँ पर बाबू मोदी पर हावी हो रहे हैं, वित्त मंत्री में जो वित्त मंत्रालय में जो बाबू बैठे हैं जो चाहते हैं कि किसी तरीके से फौजियों के ऊपर उनका स्तर बना रहे, वो आरोपी को चौपट कर रहे हैं। कुछ चीजें मैं कहना चाहता हूँ। मैं सेना में भर्ती था जी, मैं इनके जो सैनिक चाहता क्या है, इज्जत। अगर कुछ चीज का हक है वो इज्जत से पाना चाहता है, ये हमें पहले बात फौज की समझना चाहिए। दूसरी बात ये वन रैंक वन पेंशन, जब से मैं राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यालय में था आज तक मैंने देखा है कि अगर राजनीतिक ये चाहे भी तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री की जो IAS ब्यूरोक्रेसी है वो इसे रोकती है। नहीं पता, नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। पहली बार स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी जी एक प्रधानमंत्री आए जो कार्य संभालने से पहले भी उन्होंने वादा किया सैनिकों को। ये अहम बात है, ये आपको जवाब देना होगा कि जब वादा हुआ तब क्या PM ने सोचा नहीं। अब कह रहे हैं कि पेचीदगियां हैं, हमें देखना होगा, हमें सोचना होगा करने से पहले। एक और चीज राहुल जी, मैं सिर्फ एक सलाह दे सकता हूं उनको कि जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री थे और डिफेंस मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेसी के हाथ में आए, उससे बचिए। और मैं पारिकर साहब को सलाह देना चाहता हूं और जेटली साहब को कि IAS ब्यूरोक्रेसी को इस पर मत रखिए। एक राजनीतिक निर्णय लीजिए, नहीं तो सरकार की विश्वसनीयता पर बुरा असर। पूर्ण बहुमत का मतलब क्या है संबित पात्रा? पूर्ण बहुमत का फायदा क्या है? अगर फर्ज कीजिए कोई बाबू मना करता है प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री कुछ करना चाहते हैं, तो उनको अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यूज करनी चाहिए, उन्हें अपने पूर्ण बहुमत का फायदा उठाना चाहिए और जो देश के हित में है वो करना चाहिए। वो क्यों बाबुओं के दबाव में आ रहे हैं संबित? देखिए राहुल, ये कहना कि प्रधानमंत्री बाबुओं के दबाव में आ रहे हैं और उस कारण से वो वन रैंक वन पेंशन नहीं दे रहे हैं, ये अतिशयोक्ति होगा। ये तो मनोहर पर्रिकर खुद कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं, मनोहर पर्रिकर खुद कह रहे हैं कि मैं तो अपनी तरफ से कर चुका हूँ, वित्त मंत्रालय अलाउ नहीं कर रहा। ये मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री खुद कह चुके हैं, बाकी तो छोड़ दीजिए। आप मुझे प्रश्न पूछा तो मैं उत्तर दूंगा ना। नहीं पर आप घुमाइए नहीं ना हमारे दर्शकों को। मनोहर पर्रिकर जी ने ये नहीं नहीं, मेरा उत्तर मेरा होगा, मेरा उत्तर मेरा होगा। तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, ये थोड़ी की जुमलेबाजी थोड़ी होगी उत्तर में, तथ्यों पर आधारित होना चाहिए आपका उत्तर। सर आप अगर फ्री माइंड सेट के साथ यहाँ बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जो भी कहेगा वो जुमलेबाजी ही होगा, तो वो आपको मुबारक हो। आपने मुझे 5 सेकंड का समय नहीं दिया, 5 सेकंड में आपने डिसाइड कर लिया कि मैं जुमलेबाजी कर रहा हूँ, क्या ये उचित है? आपने मुझे प्रश्न पूछा, मैंने 5 सेकंड भी नहीं बोला था। मैंने इतना कहा कि किसी भी डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री ब्यूरोक्रेसी के अंडर दबे हुए हैं, प्रधानमंत्री ब्यूरोक्रेसी के कारण निर्णय नहीं ले रहे हैं। और मैं आपके चैनल पे सीना ठोक के कहता हूं, ये मनमोहन सिंह नहीं है, ये नरेंद्र मोदी है। ब्यूरोक्रेसी से कैसे डील करना है, शासन को कैसे आगे बढ़ाना है, प्रशासन को कैसे दुरुस्त करना है, इस विषय से वो अवगत हैं। 15 साल के मुख्यमंत्री हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आवाज ऊंची करने से आप इस बात को किनारे नहीं कर सकते कि 15 महीने में जो वायदे हुए हैं वो अब तक हकीकत में तब्दील नहीं हुए। ये तथ्य हैं, ये फैक्ट्स हैं, और अपनी आवाज आप ऊंची कर लें इससे ये तथ्य बदलते नहीं है। फिलहाल